नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम वस्तु के मूल्य निर्धारण के स्थान पर मूल्य विस्तार का निर्धारण। देखिए वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है उसमें वस्तु का मूल्य निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। तो जो ये मेथड है इसमें हम मूल्य निर्धारण के स्थान पर एक रेंज का निर्धारण करेंगे कि इस मैक्सिमम और मिनिमम जो रेट है वो इन रेंज के मध्य रहेगी और ये मूल्य निर्धारण संबंधी जो निर्णय आपका चैप्टर है उससे संबंधित ये पार्ट है। तो आप सभी पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वस्तु के मूल्य निर्धारण के स्थान पर मूल्य विस्तार का निर्धारण। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर मूल्यों में परिवर्तन करना होता है। बाजार की जो परिस्थितियां होती है उसके अनुरूप हमें मूल्य का निर्धारण करना होता है और उसमें चेंजेज करने होते हैं। अतः प्रबंध एक मूल्य निर्धारण में करके एक मूल्य विस्तार तय कर लेते हैं। प्रबंध क्या करते हैं, एक मूल्य निर्धारण करके और एक मूल्य विस्तार तय कर लेते हैं और एक ऐसी नीति बनाते हैं जिसमें मूल्य एक निश्चित विस्तार में बदलता रहता है। निश्चित विस्तार में वो चेंजेज होते रहते हैं। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेज आते हैं वैसे वैसे मूल्य वो चेंज होते रहते हैं, एक रेंज आ जाती है। विस्तार के अंतर्गत उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य दोनों की सीमाएं निश्चित की जाती है। जो विस्तार हमारा हम तय करेंगे उसमें ये तय करेंगे अधिकतम मूल्य इतना ही हो सकता है और न्यूनतम मूल्य इससे नीचे नहीं हो सकता है और इन दोनों सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न विक्रय मात्राओं के लिए अलग अलग मूल्य निश्चित कर लिए जाते हैं। बाजार में परिस्थिति अनुसार विभिन्न मूल्यों पर मूल्य मात्रा लाभ संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये देखा जाता है कि किस मूल्य पर कितनी मात्रा बेचने पर अधिकतम लाभ होगा। तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे कि किस मात्रा पर और किस मूल्य पर हम विक्रय करें ताकि हमें अधिकतम लाभ हो सके। सबका लक्ष्य यही होता है लाभ को मैक्सिमम करना। जिस मूल्य पर लाभ अधिकतम होता है वही मूल्य विक्रय मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। परंतु ध्यान रहे कि ये विक्रय मूल्य उचित मूल्य और न्यूनतम मूल्य की सीमाओं के अंतर्गत कोई भी अनुमानित मूल्य हो सकता है। ये उच्चतम मूल्य है और न्यूनतम मूल्य है, उन दोनों की सीमाओं के अंतर्गत अनुमानित मूल्य होता है। सिद्धांतवादी अर्थशास्त्री इसे शुद्ध आय को उच्चतम करना मानते हैं। वस्तुतः इस आधार पर किसी विशेष समय पर तय किया गया मूल्य विभेदात्मक लागत प्रविधि के आधार पर निर्धारित मूल्य के समान ही होता है। एक विभेदात्मक जो लागत विधि है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और आज हम उसको एक बार वापस रिपीट करेंगे। उसके आधार पर हम रेंज जो है वो डिसाइड करेंगे। तो इसको और ज्यादा बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन का सहारा लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्न सूचनाओं से आप मूल्य विस्तार और मूल्य निर्धारित करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर required to fix price and price range.
ये सेलिंग प्राइस दे रखी है आपकी, ये डिमांड दे रखी है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, 18, 16, 14, 12, 10 और 8, और ये डिमांड आपकी 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,40,000। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, ये इसका सोल्यूशन है। सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ये यूनिट सेल करेंगे तो एक नंबर कॉलम को दो नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? एक नंबर कॉलम में आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है और दो नंबर कॉलम में आपको कितने यूनिट आप सेल कर रहे हो वो दे रखी है, और तीन नंबर का जो अमाउंट आएगा वो आएगा सेल्स का। तो देखिए, एक नंबर में 20 सेलिंग प्राइस है और आपको 20,000 यूनिट्स सेल करनी है, तो 40,000 ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आपके 3 जीरो वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है, इसलिए 400 है। 18 को 40 से, 16 को 60 रुपये से यूनिट 60 है, और 14 को 80 यूनिट से करना है, 12 को 100 यूनिट से, और 10 को 120 और 8 को 140 से। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तीन नंबर का कॉलम आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दी हुई है 140 रुपये, 280, 420, 560, 700, 840 और 980, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 4 में से लेस करेंगे, जैसे 400 में से 140 गए तो 260, 720 में से 280 गए तो 440, 960 में से 420 गए तो 540, और 1120 में से 560 गए तो 560, और 1200 में 700 गए तो 500, और 1200 में 840 गए तो 360, और 900 में से 1120 में से 980 गए तो 140। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपकी दे रखी है 300, सब में फिक्स है 300 रुपये है, वैसे आपकी ये कॉस्ट हो गई 30,000, लेकिन आपको शॉर्ट करके दे रखा है, 3 जीरो आपको ऊपर हजार में डिवाइड कर दिया, हजार का भाग दे दिया, तो 300 गए आपका अमाउंट, ठीक है। तो 260 में से 300 गए तो ये लेस मतलब लॉस हो गया आपको, 440 में से 140, 560 में से 300, 240 और 560 में से 300, और 500 में से 300, 200 और 360 में से 300, 60 और 140 में से 300, 160, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गए। तो आप देखिए, मैक्सिमम लाभ आपको कौन सी रेंज में हो रहा है, ये जो लाइन है मैं आपको शो कर देता हूं, ये देखिए, इस सेलिंग प्राइस 14 रुपये है, 80,000 यूनिट को सेल करना है तो आपका प्रॉफिट 260, मीनिंग्स 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा करके देखिए कितना होगा, 260,000 रुपये, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मूल्य निर्धारण उपयुक्त सारणी में प्रस्तुत समयकों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक लाभ पर विक्रय मूल्य 14 रुपये है, जो मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि इस मूल्य पर 80,000 इकाइयां बेचने पर आपका सेल्स रेवेन्यू है वो 560,000 का अंशदान देगा, और जिसमें से 3 लाख की आपकी वो
फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे तो 260,000 रुपये सर्वाधिक लाभ होगा। तो मूल्य निर्धारण कितना हो गया? 14 रुपये प्रति इकाई। मूल्य विस्तार निर्धारण करना है तो उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य 2 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 20,000 से कम होकर 240,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240,000 हो जाएगा। इसको वापस देखते हैं, वृद्धि करते ही ये मूल्य आपका आ जाएगा, ये देखिए 20,000 कम हो जाएगा ना, और 2 रुपये की कमी कर दी जाए तो 60,000 कम होकर 240,000 हो जाएगा। अतः परिस्थिति के अनुसार मूल्य परिवर्तन करना आवश्यक हो तो 12 रुपये से लेके और 16 रुपये के मध्य आपको मूल्य का रेंज रखनी है, क्योंकि 16 रुपये से ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा लॉस होगा और 12 से नीचे जाएंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आपको रेंज है 12 से लेके 16 तक आपको मूल्य निर्धारण रखना है। बहुत ही सिंपल है, आपको ये टेबल का किस प्रकार से तैयार करते हैं ये मालूम होना चाहिए, फिर आप मूल्य निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। इसमें कॉलम आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, सेलिंग प्राइस का फर्स्ट कॉलम होगा और नंबर ऑफ यूनिट कितनी सेल कर रहे हो वो सेकंड होगा, और थर्ड कॉलम होगा टोटल सेल्स का, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आपको लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपको प्राप्त हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट लेस करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट हो जाएगा। आपका कितना कॉलम हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 कॉलम आपको इसमें तैयार करने होते हैं, और ऊपर लिखेंगे आप स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट। तो इस प्रकार आप तैयार करेंगे तो आपका मूल्य है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।